हे एवरीवन, मैं हूं शाली मित्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि एक मेकअप वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको ये वाला आई लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, जनरली मेरी मेकअप वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, आई नो, बट मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ मेकअप के ऊपर। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टोटल आई लुक कैसे अचीव किया है। बेसिकली सारा मेकअप मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ मेकअप लुक हम शेयर करेंगे, वो भी सिर्फ आई का। जो भी बेस मेकअप है उसके लिए मैंने प्राइमर मॉइस्चराइज़र की जगह यूज़ किया है, ये देखिए, मामा अर्थ का एलोवेरा जेल। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये फिट मी का फाउंडेशन इन शेड 128। और उसके बाद जो ब्लशेज़ वगैरह हैं जो मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली, मैंने वो यूज़ किए हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए आज जो मैंने पैलेट यूज़ किया है विच इज़ स्विस ब्यूटी का, ये देखिए, ये वाला पैलेट, ये है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट इन द शेड 04। और आपको इसमें इस तरीके से वॉर्मी और अर्दी टोन्स के कलर मिल जाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा पैलेट है ये डेली वेज के लिए। जो भी ऑरेंज और कॉपर इस टाइप के शेड चूज़ करना चाहते हैं लाइक दिस, अगर आप मेरी आइज पर देख पा रहे होंगे, यही लुक हम क्रिएट करने वाले। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड के लिए मैं इस तरीके से एक एंगुलर फ्लफी ब्रश लूँगी और इस पर मैं शेड लेने वाली हूँ ये वाला शेड, दिस वन, ये जो मिडिल ऑरेंज वाला शेड है, ये वाला शेड मैं लेना चाहूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया है, एक्स्ट्रा एक टॉप ऑफ कर देंगे आप। बिल्कुल यहाँ से आपको कलर प्लेस करना शुरू करना है, फिर इसको अंदर की तरफ धीरे धीरे लेकर आना है। बेसिकली आपका आउटर साइड पर कलर पे ऑफ ज़्यादा होना चाहिए। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड पैलेट है, काफ़ी अच्छे शेड्स हैं इसमें। बहुत सारे अलग अलग पैलेट्स में शेड नंबर आते हैं, जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर से थोड़ा सा कलर ले रही हूँ और देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ। नेक्स्ट शेड के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस टाइप का एक ब्रश, ये देखिए, और इसी पैलेट में से अब हम थोड़ा सा डीपर शेड, ये देखिए, ये वाला शेड लूँगी जो ऊपर फर्स्ट टॉप पर है। बिल्कुल कॉर्नर पे आपको वी बनाना है। बिकॉज आई हैव हुडेड आईज, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपनी क्रीज से बाहर की तरफ जाना पड़ता है। जिनकी भी हुडेड आईज हैं, मतलब जैसे कि हम फ्रंट पर देखते हैं तो ये स्किन एक्स्ट्रा कवर कर लेती है, उन आईज को बोलते हैं हुडेड आईज। इसके बाद मैं इसके नीचे वाला जो डीपर शेड है, जो ब्राउन शेड है बिल्कुल, वो वाला थोड़ा सा पिक करूंगी, थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करने के लिए, ताकि आईज और ज्यादा बिगर और हुड जो है मेरा और ब्यूटीफुल लगे। देखिए, किसी भी आई मेकअप को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट है तो आपका आई मेकअप लुक आप कोई से भी कलर के साथ करें, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सेंटर वाला शेड, जो कि बहुत शाइनी और सैटिनी शेड है इस पूरे पैलेट में, अदरवाइज सारे ही शेड जिसमें आपको मैट मिलेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हमें लिड पर लगाना है। मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए, और इसको ऐसे लगाना है। बेसिकली शिमर और इस टाइप के शेड्स के लिए आप फिंगर्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको और काम भी जल्दी हो जाता है। सो देखिए, इस तरीके से मैंने ये वाला आई लुक भी कंप्लीट कर लिया है। आई शेडो में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। अब आती है लाइनर की बारी। मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और ईजिली कहीं भी मिल जाता है। तो इसीलिए एक्चुअली मैं इसी तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहती थी इस वीडियो में, ताकि वो सबको ईजिली अवेलेबल हों। मैं कोई विंग ड्रॉ नहीं करूँगी, जस्ट अपनी जो लैश लाइन है उसको फॉलो कर रही हूँ।
ये हो गया मेरा लाइनर, अब चलते हैं काजल की तरफ। अपनी लोअर लैश लाइन को भी तो कंप्लीट करना है। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई एम्स्टरडैम का ब्लैक काजल। गाइस ये काजल आपको पर्पल वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये 60-80 रुपीज़ का आता है, बट इसका कलर पे ऑफ और स्टेइंग पावर बहुत ही अच्छी है। और लोअर लैश लाइन को स्मज करने के लिए इस तरीके से मैंने एक छोटा एंगुलर ब्रश लिया है और मैं इसमें पहले ये जो डीपर ब्राउन वाला शेड है ये लूंगी। और फिर प्रीवियस ब्रश में थोड़ा सा ये वाला ऑरेंज शेड जो हमने फर्स्ट सबसे पहले यूज़ किया था उसको यूज़ करूंगी ताकि पूरी आईज कोऑर्डिनेटेड रहे। सो गाइज ये हो गया हमारा आई लुक कम्प्लीट। और मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, वो भी मैं आपके साथ लगाना चाहती हूँ। तो अब लिपस्टिक की तरफ चलते हैं। सो इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए जो सबसे यहाँ पे लाइटर शेड है जो कि एक मैट शेड है उसी से आज इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट कर लेते हैं। इट लुक्स क्वाइट गुड। तो अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ विच इज़ फाइनल स्टेप ऑफ दिस लुक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मैगा कैटसूट लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड का गिव मी मोका शेड नंबर E925B। ओके, तो मुझे लगता है कि ये लिप शेड अच्छा जाएगा इस आई लुक के साथ। सो लिप्स पर जाने से पहले मस्कारा कंप्लीट कर लेते हैं। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया था ये मेबलिन का फॉल्सीज मस्कारा विच इज़ माय फेवरेट। अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ये देखिए वेट एंड वाइल्ड का मैगा कैप्सूल लिपस्टिक इन द शेड गिव मी मो। सो गाइज ये है कंप्लीट लुक। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसे। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मित्र वैशाली जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर डायरेक्टली जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी सामान मैंने आज यहाँ पर यूज़ किया है जो भी प्रोडक्ट्स उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना। एंड जैसा कि पार्टी शादी सब कुछ इस वक्त ऑन है, सभी के घर में पार्टी फंक्शन कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये गेस्ट मेकअप की तरह भी आप कर सकते हैं। आपको कहीं शादी में जाना है, ये एक ऐसा लुक है जो ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, सारी स्किन टोन्स पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सीज़न में। और अगर जो भी मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल बटन को हिट कर देना। बेल बटन भी हिट करने के बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तभी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, अदरवाइज आप मेरी वीडियोज़ मिस कर देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching my video.